और इसको कोई छू नहीं सकता है। एक्चुअली शाम को जो घाट पे जाएंगे तो इसी में से सब कोई पहन के जाएगा। इसमें घर के सारे जनों के कपड़े हैं जो जो छठ घाट पहन के जाना है सबको, तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा नियम वाला हो जाता है। थोड़ा सा मैं थक भी गई हूँ, आ रही हूँ थोड़ा आप आराम करने। ये हमारा स्टोर रूम, पता नहीं इसका दरवाजा हमेशा बंद ही नहीं रहता है, तो मैं बार बार बंद करते रहती हूँ इसको। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, शाम का अरग का टाइम हो रहा है, तो घाट पे जाने की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई है आंगन में। वैसे तो हम सारी जो लेडीज हैं वो अपने अपनी तैयारियां में जुट गए हैं, जो की है अपनी श्रृंगार की तैयारियां। तो यस, मैं चूड़ियां पहन रही थी तो मैंने सोचा कि तो चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लिया जाए। फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार सबको छठ पूजा के दिन होता है, वो भी शाम और सुबह के अर्घ का टाइम। यस, यही तो मेन होता ही है, तो उसके लिए हमें रेडी भी होना था जल्दी जल्दी, तो मैं थोड़ा सा पहले ही रेडी होना स्टार्ट कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि चूड़ियां वूड़ियां पहनने में थोड़ी सी टाइम लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पहले ही रेडी होने मतलब स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिलहाल मैं ये सब वगैरह चेंज कर लिया है मैंने, और छठ पे शाम के घाट के जाने के लिए मैं अब रेडी हो रही हूँ। मैं लेट ना हो जाऊँ इसीलिए थोड़ी सी जल्दी ही रेडी हो रही हूँ, क्योंकि घट घाट होता है ना, वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि बैठने की जगह कम पड़ जाती है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी होकर रह लूँगी, मतलब वहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँ घाट, ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो, जगह मिल सके अच्छे से। चलो गप्पे करते हैं बाद में, पहले अब रेडी हो जाते हैं। पता नहीं मेरा मेकअप वीडियो आप लोग कितनी बार देख चुके हो, एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। तो प्राइमर लगा के मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया। जब भी मेकअप स्टार्ट करो प्राइमर जरूर लगाओ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मुझे मालूम नहीं, शायद मुझे मालूम है, मैं शायद बोल रही थी कि फाउंडेशन मेरे शेड का नहीं है। एक्चुअली दुकान वाले भैया ने मेरे शेड का दिया ही नहीं है, थोड़ा सा मेरे से डार्क कॉम्प्लेक्शन का दे दिया है। तो मैंने क्या किया है, जो हाईलाइटर होता है उसको मिक्स कर लिया फाउंडेशन में और उसके बाद मैंने लगा लिया। सो यार आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ मेकअप अच्छे से, और मैं गीला ब्लेंडर यूज नहीं करती हूँ, मैं सूखा ही ब्लेंडर यूज करती हूँ। एंड उसके कॉम्पैक्ट से अपना मेकअप शेड कर लेंगे। ज्यादा मैं पाउडर यूज नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का ही यूज करती हूँ, और काजल वगैरह भी मैं यूज नहीं करती हूँ, बस लिपस्टिक लगानी है और कुछ भी नहीं। पता नहीं काजल से मेरा क्या जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आईब्रो में कलर कर रही थी एंड दैट्स इट। पिंक साड़ी पहन के मुझे अच्छा लग रहा था कलर, तो चलो चलते हैं अब। मैं रेडी हो चुकी हूँ और पता नहीं जो बाकी है सो बाकी है, और सब कोई आ भी चुके हैं घाट जाने के लिए, तो हमें नीचे जानी है जल्दी से। आज मैं जल्दी रेडी हो चुकी थी, तो सारे जेंट्स आ रहे हैं अब छठ जो घर है वहाँ पे, सबको प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे सबको मतलब डाला लेके निकलने लगेंगे। सारे जेंट्स डाला लेके आगे आगे चलते हैं और सारी लेडीज पीछे पीछे उनके चलती है। सो या मैं और मेरी देवरानी दोनों चल रहे हैं, सारी भाभी लोग भी आगे आगे चली गई है, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पे ही थे, बहुत लेट हमारा नहीं हुआ था। नीचे मम्मी हमें बुला रही थी कि चलो, और यहाँ पे जब भी हम लोग जाते हैं निकलते हैं घर से, तो छठ घर जो होता है, जो मेन छठ जहाँ पे होता है, वहाँ पे प्रणाम करके ही निकलते हैं। जैसे ये देख लो, हर कोई यहाँ पे प्रणाम करके ही निकलता है। और मम्मी जो है वो अर्घ के लिए दूध ले जा रही थी। तो यस, हम लोग आ चुके हैं छठ घाट, और ये देखो कितना पवित्र लग रहा है। मतलब क्या होता है ना कि छठ के एक दो दिन पहले यहाँ पे घाट को अच्छे से साफ किया जाता है, बैठने लायक बनाया जाता है। तो हम सारी भाभियाँ सब कोई बैठे हुए थे यहाँ पे, और मम्मी लोग गीत गा रही थी, मतलब जो अपना लोकगीत होता है। उसके बाद यहाँ पे डूबते हुए सूरज को आज के दिन अर्घ पड़ता है। आजकल के लोग जो है वो अपने कल्चर को ज्यादा फॉलो करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, बट
इन सब से क्या होता है, सब चीज में एक लॉजिक होता है। कल्चर को फॉलो करने से क्या होता है कि बच्चों में अच्छी सीख पनपती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चे भी देखते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो कितने ज़्यादा दूसरों को सम्मान देते हैं, कि सूरज की भी पूजा करते हैं, धरती की भी पूजा करते हैं, बड़ों को आदर सम्मान देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उनमें भी अच्छी संस्कृति जागती है, उनमें भी दूसरों को सम्मान देने की मतलब सोच जागृत होती है। तो इससे क्या होता है, इससे और अच्छी दुनिया बनती है, समाज अच्छा बनता है हमारा। अगर कोई नहीं, हम आते हैं अपने ब्लॉक की ओर। तो यहाँ पे ईशु और ईशु के पापा दोनों अर्घ देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत जगह क्या होता है कि अर्घ देते टाइम ही नहा के और अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घर से ही नहा धो के आप लोग जाओ और वहाँ पे जाके अर्घ दो। जो व्रती होती हैं वो डाला लेके खड़ी होती है, सूर्य देवता को अर्पण करती हैं और धीरे धीरे करके सब कोई अर्घ देता है उनको। और क्या है कि आज के दिन कोई भी अपने घर में एक बूंद भी दूध नहीं रखता, सब कोई दूध दे देता है छठ माता को अर्घ देने के लिए। फिलहाल वहाँ पे अर्घ पड़ रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हुई, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और अपनी जो लोक गीत होती है वो मम्मी लोग गा रही थी। का जो अर्घ होता है वो हो चुका है वो सारा। और शाम के टाइम में बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह क्या होता है ना कि सुबह सूर्य भगवान को अर्घ भी दिया जाता है एंड सारी लेडीज को सिंदूर भी दिया जाता है, तो उसमें लेट होता है, लेकिन शाम के टाइम लेट नहीं होता है। और डाली उठने के बाद हम सब ने वहाँ पे प्रणाम किया जहाँ पे डाली रखा गया था। उसके बाद हम सारे जल्दी जल्दी से घर जा रहे हैं दौड़ के। और दौड़ के मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के दिन क्या होता है कि जो डाला उठाते हैं या जो व्रती होती है उन सबके पैर धोने पड़ते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से घर आए और पैर वैर हम लोग धो लिए थे, बट मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आने के बाद फिर छठ घर को मैंने प्रणाम किया, उसके बाद अपनों से बड़े जो भी थे उन सबको प्रणाम किया, उसके बाद अपने घर आ गए। और ये देख लो हमारी ईशु मैडम। फिलहाल आज के लिए सब चीज़ खत्म हो चुका है और उसके बाद रात को जो भी होगा, और हम दोनों अभी घर आ चुके हैं। चुकी हूँ नीचे सारा, तो शाम का अर्घ पड़ चुका है और हम सब आ गए हैं। अब मैं जाऊँगी ड्रेस चेंज करूँगी फिलहाल अभी, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी साड़ी है और हैवी साड़ी पहनना ठीक नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ आपको नीचे का सीन, अभी भी बहुत कोई आ रही है, प्रणाम कर रही है। सबसे पहले मैंने यीशु का ड्रेस चेंज किया क्योंकि इसने अपना ड्रेस भिगा लिया था। और ये देखो, इसका वॉकर कभी नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है सुबह का अर्घ, वो बहुत ही सुपर ब्लॉग होने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।